हेलो एवरीवन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी द माइंड तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टू की मैथ्स बुक चैप्टर एट एंड वंस तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसमें एक लड़की रहती है वो बोलती है हेल्प मी मेरी हेल्प करो अंकल आई वांट टू बाय पेंसिल्स फॉर एटीन रुपीज़ तो मैं एटीन रुपीज़ का पेंसिल ख़रीदना चाहती हूँ आई हैव जस्ट टेन रुपी नोट्स एंड वन रुपी coins. तो मेरे पास टेन रुपीस के नोट हैं और वन रुपी का कॉइंस है हाउ मैंने नोट्स एंड कॉइंस गिव यू तो मुझे अब आपको कितने रुपी के नोट्स और कितने कॉइंस देने होंगे ठीक है ये बता रही है अंकल से पूछ रही है तो अंकल बता रहे हैं कि एटीन रुपीज़ मीन्स वन नोट ऑफ टेन रुपीज़ एंड एट वन रुपी कॉइंस तो ये बता रहे हैं कि एटीन रुपीज़ मीन्स क्या होता है वन नोट टेन रुपी का रुपीज का और एट वन रुपीज कॉइंस होता है ठीक है तो ये इस तरह से समझा रहे हैं तो देखिए टेन रुपी का क्या हो गया एक नोट हो गया और एट क्वाइन हो गया वन रुपी का ठीक है इस तरह से आप देख पा रहे हैं पिक्चर में तो इस तरह से अंकल समझा रहे हैं इसे अब देखिए हाउ मैनी नोट्स एंड क्वाइंस डू आई नीड टू गिव थर्टी फाइव रुपीज तो अब मुझे थर्टी फाइव रुपीज़ के लिए आपको कितने रुपीज़ की यानी नोट देने होंगे और कितने कॉइंस देने होंगे तो यू गिव मी थ्री टेन रुपी नोट्स एंड फाइव कॉइंस ऑफ वन रुपी तो ये बता रहे हैं कि तुम मुझे थ्री ते, टेन रुपीज़ का नोट दोगी और फाइव कॉइन दोगी वन रुपी का ठीक है अब ओके अंकल है जस्ट टेल मी हाओ मैनी पेंसिल्स डू यू वॉन्ट अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पेंसिल्स चाहिए नन थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विद माय होमवर्क तो मुझे नहीं चाहिए अंकल थैंक यू मेरा होमवर्क में हेल्प करने के लिए तो ठीक है तो ये लड़की जो है ना इसे कुछ भी ख़रीदना नहीं था ये सिर्फ अपना होमवर्क बनवाने आई थी ठीक है अब देखिए कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प तो क्या आप इसे अंकल के हेल्प के बिना कर सकते हैं ड्रा द टेन रुपी नोट्स एंड वन रुपी कॉइंस यू विल गिव फोर दीज थिंग्स तो अब यहाँ पर ड्रा करना है आपको इन चीज़ों के लिए टेन रुपी का नोट और वन रुपी का कोइंस ड्रॉ करना है ठीक है तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ है तो इसके लिए ट्वेंटी है तो ट्वेंटी के लिए हमें कितना जो है नोट ड्रा करना पड़ेगा और कितना कॉइन ड्रा करना पड़ेगा तो ट्वेंटी रुपी के लिए आपको दो नोट ड्रॉ करना पड़ेगा टेन रुपी का दो नोट ड्रा करना पड़ेगा ठीक है तो इसे आप ड्रॉ कीजिएगा अच्छे से बनाइएगा घर में उसके बाद देखिए थर्टी रुपी थर्टी टू रुपी के लिए तो थर्टी टू रुपीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा टेन का थ्री नोट चाहिए ठीक है टेन का थ्री नोट चाहिए टेन रुपी का और दो क्वाइन चाहिए वन का दो कॉइन चाहिए ठीक है उसके बाद देखिए फिर क्या होता है उसके बाद इसके लिए देखिए अब फिफ्टी फाइव है फिफ्टी फाइव के लिए कितना चाहिए तो फाइव नोट चाहिए टेन रुपी का ठीक है तो ये आप खुद ड्रॉ कीजिएगा ठीक है फाइव टेन रुपी का नोट चाहिए और फाइव कॉइन चाहिए वन रुपी का तो इस तरह से आप इसे अच्छे से ड्रा कीजिएगा और यहाँ देखिए हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड क्वाइंस मेक अब कितना रुपी बनाता है यहाँ पे देखिए ये जो कॉइन्स और नोट्स मिलके कितने रुपये बनाते हैं तो यहाँ देखिए जैसे वन टू थ्री थ्री नोट है टेन रुपीज़ का तो कितना हो गया थर्टी रुपीज़ लिखेंगे यहाँ थर्टी रुपीज़ लिखा हुआ है अब इसमें देखिए वन टू टू हो गया नोट टेन रुपीज़ का और थ्री कॉइन हो गया यानी कि कितना हो गया यहाँ पे हो गया ये थर्टी ट्वेंटी थ्री ठीक है ट्वेंटी थ्री लिख देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है यहां पे टेन क्वाइन है वन रुपीज का तो कितना हो गया ये टेन रुपीज का नोट बनाता है अब यहां देखिए वन टू टू नोट है टेन का अब यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन क्वाइन है तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन उसके बाद ये वाला जो है इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फोर नोट है टेन रुपीज़ का और यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉइन है तो कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव लिखेंगे तो इसी तरह से आपको बनाना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर है प्रैक्टिस टाइम प्रैक्टिस करना है आई विल से नंबर गैस द ब्रेकअप अब मैं तुम्हें एक नंबर दूँगा और तुम्हें उसे गैस करना है ब्रेकअप करके ठीक है तोड़ के बताना है तो ये लड़का बता रहा है तो ये बोल रहा है ओके यू से इट आई विल डू इट तो तुम मुझे कहो मैं इसे ज़रूर करूँगा ठीक है तो ये देखिए ये बता रहा है नंबर बता रहा है सिक्सटी फ़ोर अब सिक्सटी फ़ोर को कैसे लिखेंगे तो ये बता रहा है सिक्सटी फोर को हम सिक्सटी और प्लस फोर लिखेंगे तो इस तरह से सिक्सटी फोर हो गया नंबर में लिखना है अब ये देखिए फिर बताता है कि ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फ़ाइव को कैसे लिखेंगे ट्वेंटी प्लस फाइव ये बता रहा है ट्वेंटी और प्लस फाइव ऐसे करेंगे ब्रेकअप करके तो इस तरह से हम लिखेंगे ठीक है अब देखिए कि वाट अबाउट ट्वेल्व अब ट्वेल्व के बारे में क्या कहना है हाउ विल यू डू दैट अब तुम इसे कैसे करोगे तो ये बता रहा है सी फोर सिक्सटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव द नंबर नेम्स टेल द ब्रेकअप तो जिस तरह से सिक्सटी फ़ोर और ट्वेंटी फाइव को ब्रेकअप करके देखा है उसी तरह से हम इसे भी करेंगे ठीक है ठीक उसी तरह से नंबर्स होगा अब बट ट्वेल्व इज़ डिफरेंट लेकिन ट्वेल्व जो है वो तो डिफरेंट है सो आर इलेवन एंड नाइन्टीन हो सकता है ये इलेवन और नाइनटीन के बीच में आए ठीक है तो ये बता रहा है अब यहाँ पे देखिए नाउ यू राइट दीज एंड ऑल्सो से दै अलाउड अब यहाँ पे आपको लिखना है और इसे लाउडली बोलना भी है अब ब्रेकअप करके जिस तरह से ऊपर में आपने देखा कि ये ब्रेकअप करके किस तरह से नंबर लिखा है उसी तरह से आपको यहाँ पे बताना है ट्वेंटी सेवन तो किस तरह से इसे ब्रेकअप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी और प्लस सेवन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से लिखेंगे अब यहाँ पे है थर्टी वन तो थर्टी वन के लिए थर्टी प्लस वन फिफ्टी फोर के लिए फिफ्टी और प्लस फोर अब नाइन्टी प्लस नाइन तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन इस तरह से लिखेंगे सिक्सटी थ्री के लिए सिक्सटी और प्लस थ्री ठीक है अब थर्टी सिक्स के लिए थर्टी सिक्स के लिए थर्टी और प्लस सिक्स ठीक है थर्टी सिक्स अब एट्टी प्लस टू के लिए यहाँ पे देखिए एट्टी और टू एट्टी टू हो गया ठीक है अब यहाँ देखिए ट्राई यू राइटिंग द ब्रेकअप फोर डेज अब यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं ब्रेकअप करके यहाँ पे ये बताया जा रहा है तो यहाँ देखिए ट्वेल्व के लिए टेन प्लस टू और नाइनटीन के लिए टेन और प्लस नाइन नाइन ठीक है तो नाइनटीन हो गया इलेवन के लिए टेन प्लस वन इलेवन और टेन प्लस सेवन कितना हो गया सेवनटीन ठीक है तो इस तरह से इसे लिखना है ब्रेकअप करके ठीक है अब देखिए यहाँ पे है बैंगल थ्रो तो ये एक गेम है ठीक है अब देखिए कर्मा एंड गेजर आर प्लेइंग ए बैंगल गेम तो कर्मा और गेजर जो है ना दोनों मिलके एक प्लेइंग गेम यानी बैंगल गेम खेल रहा है कर्मा हैज थ्राउंड द बैंगल ऑन द डॉट्स अब कर्मा बैंगल्स को फेंकता है डॉट्स पे ठीक है जिस तरह ये डॉट्स है ना इसके ऊपर बैंगल्स यहाँ पे फेंका गया है ठीक है अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इच बिग रेड डॉट इज़ इक्वल टू टेन पॉइंट्स जो बड़े डॉट्स जो हैं वो मतलब जितने भी इच बिग रेड डॉट यानी कि एक एक रेड डॉट जो है ना वो टेन पॉइंट के बराबर बड़ हैं ठीक है जिस तरह से ये एक रेड डॉट है तो ये टेन पॉइंट के बराबर बड़ है उसके बाद देखिए इच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू वन पॉइंट जो स्मॉल ग्रीन डॉट हैं ये जो ग्रीन डॉट हैं ये वन पॉइंट के बराबर हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ देखिए कि द डॉट्स इन साइड द बैंगल आर अब जो डॉट्स जो बैंगल के अंदर हैं अब वो कितने हैं डॉट्स तो देखिए यहाँ पे बैंगल्स के अंदर जो हैं है ना ये वाला वन टू थ्री फोर फोर डॉट्स हैं बड़े वाले तो ये कितने पॉइंट्स के बराबर हो गए फोर्टी पॉइंट्स वन डॉट टेन पॉइंट के बराबर हैं और तो फोर डॉट कितने के बराबर होंगे फोर्टी के बराबर ठीक है तो यहाँ पे पॉइंट्स कितना हो गया फोर्टी अब यहाँ पे देखिए फोर डॉट्स हैं ग्रीन वाले जो है यहाँ पे फोर डॉट्स हैं तो फोर डॉट्स कितने के बराबर हो जाएंगे वन वन टू थ्री फोर फोर है तो कितने के बराबर फोर पॉइंट्स के बराबर हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे फोर लिखेंगे उसके बाद देखिए अब यहाँ सो कर्मा हैज़ गॉट फोर्टी फोर पॉइंट्स तो कर्मा ने कितना जीता कितना आ, उसे मिला फोर्टी फोर से मिला दे थ्रो द बैंगल ट्विस्ट एच अब देखिए दोनों ने गेम खेला बेंगल गेम हियर आर देयर पॉइंट्स अब यहाँ पे उनके पॉइंट्स हैं तो थ्रो कर्मा और गेजर यहाँ विनर ठीक है तो फर्स्ट में क्या हुआ फर्स्ट में, हुआ? फर्स्ट में कर्मा ने फोर्टी फोर पॉइंट्स पाया उसके बाद गेजर ने थर्टीन पॉइंट्स अब विनर कर्मा हुआ फर्स्ट में और सेकेंड टाइम में कौन हुआ इसमें कर्मा ने सिक्सटीन पॉइंट ठीक है और थर्टी टू पॉइंट्स गेजर ने और देखिए गेजर जो है गेजर विनर हुआ सेकंड ठीक है तो इस तरह से इसने गेम खेला ठीक है आप देखिए फिर से यहाँ पे बैंगल गेम है यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड यूजिंग द बोर्ड अबव तो यहाँ पे आपको यानी अपने फ्रेंड के साथ में आप गेम खेल सकते हैं इस गेम को राइट योर पॉइंट्स फॉर इच थ्रो अब यहाँ हर थ्रो में आपको पॉइंट्स लिखना है तो यहाँ देखिए थ्रो है और यहाँ पे माई पॉइंट्स और यहाँ पे माई फ्रेंड्स पॉइंट्स और विनर तो यहाँ पे अपना पॉइंट्स लिखना है यहाँ अपने फ्रेंड का पॉइंट लिखना है और यहाँ विनर देखना है कि दोनों में विनर कौन हुआ ठीक है ठीक है तो इस तरह से देखिए जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि कर्मा और गेजर ने जब खेला था तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कर्मा कर्मा का ज़्यादा पॉइंट आया था कर्मा विनर हुआ था और सेकेंड टाइम में गेजर का ज़्यादा पॉइंट आया था तो गेजर विनर हुआ था ठीक है तो इसी तरह से आप अपने फ्रेंड के साथ में ये गेम खेलिए और यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखिए ठीक है तो इस तरह से आपका ये जो है ना चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये हाफ चैप्टर हुआ है और इतना आप पढ़िए बार बार समझिए इसे और जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं तो हम अब इससे आगे वाला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो